ये जो आपको सामने नान नजर आ रहे हैं, ये पहले से पड़े हुए 2 से 3 दिन पहले। या तो इसे फ्रीज कर लें या फ्रिज में रख लें, बड़ा पैक करके, और सीधे सीधे रखने हैं। अगर हमने लपेट के या टेढ़े मेढ़े करके रखे ना, तो जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे या दोबारा गर्म करेंगे, ये टूट जाते हैं। तो सीधे सीधे रखेंगे और शापर में लपेट के या किसी एयर टाइट बॉक्स में जब रखे नान, तो इस तरीके से रखोगे ना, तो आप निकालोगे सीधे से नान भी होंगे और ज्यादा अकड़े भी नहीं होंगे। नहीं, अगर ऐसे रख देना फ्रिज में तो बहुत सख्त हो जाते हैं। ये हो गया। अब ये नान जो है, मैं इसे पानी में मैंने डुबोना है पूरा नान, इस साइड से भी और इस साइड से, और बहुत अच्छा सा नान गर्म होगा और ऐसा होगा जैसे हमने तंदूर से अभी लिया है। और इसे घी, जितना मैं घी लगा रही हूँ आप उतना भी लगा सकते हो और बहुत कम भी लगा सकते हो। जिसे पसंद हो कि मैंने बहुत ज्यादा घी लगाना है तो ज्यादा लगा के खा ले, और हल्का सा भी लगाना है, 1/2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून तो वो भी होगा, 2 से 3 टेबल स्पून भी लगा सकते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ। ये मैंने नान लिया, इसे इधर से मैंने डुबो लिया पानी में, और ये इस तरह फुल पानी इसमें लगना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कुछ मैंने तवे पे भी रखना है पानी लगाना है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये मैं इसे तवे की तरफ लेके जा रही हूँ। ये 1 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया, इसमें कलर आ जाएगा। ये पानी में थोड़ा सा और लगा रही हूँ, तकरीबन 2 चम्मच मैंने, ये 3 टेबल स्पून बनते हैं। चूल्हा मैंने हल्का सा रखा हुआ, इतना गर्म नहीं रखना, और ये इतना यानी कि ना गर्म हो ना ठंडा। अगर फुल गर्म होगा ना तो नान चिपक जाएगा। अब इसे मैंने पकने, हल्की दम जैसे चावलों को लगाते हैं ना, उस टाइप की आग मैंने रखनी है, और इस उससे दम वाली आग से जरा सी तेज होगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं। और पानी इसमें ये नजर आ रहा होगा साइडों पे तवे पे, तो इसे मैंने तवे पे इतना करके एक इसका तवे का बैलेंस में सीधा कर लूं, पानी एक साइड से जा रहा है और एक से नहीं। तो ये मैंने ये दूसरा तवा लिया, आप इसकी जगह एक ढक्कन कुछ भी जो तवे के पूरा ऊपर आता हो, इस तरह करने ताकि इसे अच्छी सी स्टीम मिले, और ये बहुत अच्छा सा नान दोबारा से बहुत नरम और मजेदार इतना होता है ना कि जब बचे ना तो दिल करता है कि ये गर्म करके सालन के साथ खाएं, कोरमा जैसे पका हो, तो वो तो बहुत ही मजा आता है। अक्सर शादियों में नान और ये सालन सारा पच जाता है ना जैसे, तो दूसरे दिन नाश्ता करने में बहुत मजा आता है। ये नान गरम करो, सालन गरम करो और मजे से खाओ, बाद में कॉफी या चाय पियो तो और मजा तो वाला होगा। ये आस्ता सब नान हो रहा है बहुत हल्की आग पे। तो ये थी आयशा खालद, यूके से हैं ये मेरी। इन्होंने मुझे कहा कि मेरी हेल्प करो कि मेरा नान इस तरह अकड़ जाता है, इनका भी दिल करता होगा ना, इसे मजा आता है गर्म करके खाने में। तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैं इनकी वजह से ये वीडियो बना रही हूँ इनको दिखाने के लिए कि इस तरह आप नान गरम कर सकती हो। आपने ओवन का भी जिक्र किया, अगर ओवन में रख करना है ना तो इसी तरह गरम करो आप, और एक प्लेट में रखो या ओवन की ट्रे में रखो, और उस ऐसी ट्रे में रखो कि उसे ऊपर से ढक लो आप किसी अच्छी स्टील की प्लेट से उसे, और जब जिस ट्रे में रखोगे नीचे भी ऑयल लगाओ, जैसे मैंने पानी लगाया इस तरह करके, तो ऊपर से आप ऑयल ब्रश से लगा लो या जैसे मर्जी लगा लो, जितना ऑयल आपकी मर्जी है लगा के, तो ऊपर से फिर पानी हाथ से जरा छिड़क दो उसे और ढक के ओवन में रख दो। तकरीबन कोई फुल गर्म अगर ओवन किया है ना, तो आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट निकाल के देखोगे ना, कुछ बेहतर होगा। अगर नहीं है तो दोबारा देख लो, ये आपको पता चल जाएगा कि ये सही हुआ है कि नहीं। इस तरीके से भी ओवन में भी कर सकते हो, लेकिन तवे पे करोगे ना ये ज्यादा इजी है। तवा सही है, देसी काम है ये, और बहुत मजे से हो जाएगा। हम सामने से देख भी लेंगे हटा के इसे तवे को कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये सही रहता है तवे वाला। तो तवे पे ही आप करो तो बहुत मजा आएगा। मैं तो तवे पे ही गरम करती हूँ, बेसन वाला नान भी तवे पे बना लेती हूँ, ये भी, और एक कीमा भी ऊपर लगता है, वो भी मैं कभी रेसिपी शेयर करूंगी ऐसे ही नान पे कीमा लगा के, वो भी अच्छी रहेगी रेसिपी, आप लोगों को अच्छी लगेगी जिनको पसंद है कि नान कैसे खाने हैं। घर में रखी चीज है तो कैसे ऐसे जाया ना करें, तो बनाए दोबारा से खाए। तो ये एक कुछ मिनट तो गुजर गए मेरे मुझसे आपसे बात करते हुए, तो मैं चेक करती हूँ कि ये कितना की हुआ। ये आप लोगों के लिए मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो मैं हटाती नहीं हूँ इसे, 1 से 2 मिनट पकने देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा बाद में डाला था ना, वो भी है, अभी इसमें जरूरत है। ये मैं दिखाती हूँ, इसकी शक्ल देख लो, अभी जला भी नहीं है, जो कलर था वही नान का कलर है। तो मैं इसे दोबारा फिर वही हल्की आग पे रखना है, तेज पे नहीं रखना, तेज पे रखोगे ना तो नान जल जाएगा
और सख्त भी हो जाते हैं, जैसा कि आप कह रही थी ना कि सख्त हो जाते हैं, तो वजह यही है कि तेज हीट में ना ये सख्त होते हैं। तो अभी मैं इसे और 1 मिनट इस तरह रख रही हूँ ढक के, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं 1 मिनट के बाद मैंने तवा हटा लिया जो ऊपर मैंने इसके ढका था नान को, तो ये मैं शक्ल दिखाती हूँ। साइडों से थोड़ा हल्का सा क्रिस्पी होगा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, और दूसरी साइड से अब दूसरी बारी के दूसरी तरफ से मैं इसमें थोड़ा सा और पानी, ये 1 टेबल स्पून तकरीबन बस, और अब इसे मैं थोड़ा सा चला के तो दोबारा फिर इसे मैंने ढक देना है। पानी थोड़ा सा लग गया ना नीचे, वो उसे सख्त नहीं होने देगा नान को। अब मैं दोबारा से ढक रही हूँ 1 मिनट के लिए। तो आग मैंने वो ही रखी है जो मैं बता रही थी कि दम वाली आग, पहले मैंने दम से थोड़ी तेज थी, अब तो उसके बाद मैंने दम वाली आग रख दी, जैसे चावल रखते हैं बहुत हल्की सी। कैमरे में आग नजर नहीं आनी, मैं दिखाऊंगी भी ना तो पता नहीं चलना, तो इस वजह से मैं दिखाती नहीं। तो अब मैं थोड़ी हल्की सी दम वाली आग से जरा सी और तेज करूंगी तो ये हमारा नान तैयार हो जाएगा। 1 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी साइड भी इंशाल्लाह पक गई होगी, ये बहुत नरम सी, ये पता लग रहा होगा, सब बिल्कुल नहीं हुआ, नरम है और 1 से 2 मिनट लग सकती है इसे। ठीक है, अब ये साइड दूसरी गई, बहुत अच्छा सा ये, इसकी लचक से पता चल रहा होगा कि कितना नरम बना है। इस तरह करती हूँ, अगर अकड़ा होता ना तो ये यूं होता ही ना, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह, बहुत मजेदार सा नान बन गया। और अब मैं ये दूसरा नान जो मैं बना रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, दूसरा नान है। और जिसने ये नहीं ऑयल लगाना कि मैं इतना ऑयल नहीं खाती या खाता, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ, ये मैंने फिर इसे डुबोया और ये तवे पे ले गई। ये थोड़ा थोड़ा सा फिर मैंने पानी लगा दिए थे, तकरीबन 3 टेबल स्पून, और ऑयल जो है ना बहुत हल्का सा, ऐसे बहुत हाफ टी स्पून जैसे होते हैं बस, ये वो है कि बहुत ही ड्राई भी नहीं होगा और ऑयली नहीं होगा, बस कुछ ऑयल पहले से लगा हुआ था तवे पे। अब मैं इसे ढक के दोबारा से रख दूंगी 2 मिनट के लिए। ये बगैर ऑयल हाफ टी स्पून ऑयल वाला नान, ये भी बहुत अच्छा सा बन गया। ये नहीं कि ऑयल से ही ये गर्म होगा, ये ऑयल के बगैर भी हो सकते हैं, बहुत थोड़ी सी ऑयल में। अब ये दूसरी साइड जो मैं कर रही हूँ, अब मैं फिर थोड़ा सा हाथ से पानी 1 टेबल स्पून के करीब छिड़क दूंगी तो वो दूसरा नान भी तैयार हो जाएगी। इस तरह और पानी मैंने लगा दिया, अब मैं दोबारा से ढक दूंगी 2 मिनट के लिए। ये वाला नान भी तैयार हो गया, ये पीछे से भी बहुत अच्छा था और इधर से भी। ये मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, मजेदार सा नान तैयार है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिए और शेयर भी प्लीज़ कर लिया करें मेरी वीडियो को, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।